अंबिकापुर में छत्तीसगढ़ मुस्लिम युवा मंच के द्वारा 2 दिवसीय निशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, जिसमें सरगुजा जिले सहित दूसरे जिले से भी काफी संख्या में लोग इस निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का लाभ लेने अंबिकापुर पहुंचे। छत्तीसगढ़ मुस्लिम युवा मंच के द्वारा बीते 6 वर्षों से निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष भी शिविर का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ मुस्लिम युवा मंच के अध्यक्ष वसीम अकरम ने बताया कि शहर के बरेज पारा में स्थित सामुदायिक भवन में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर के साथ ही मुस्लिम रिवाज में होने वाले सुन्नत खतना भी किया गया। इस बार मुस्लिम समाज में लगभग 400 बच्चों का सुन्नत किया गया। ये सामुदायिक भवन बरेज पारा में पिछले 6 वर्ष से लगातार हो रहा है। एक मुस्लिम एक रिवाज होता है सुन्नत खतना, वो गरीब बच्चों का किया जाता है। लगभग इस साल 200 बच्चों का हुआ है कल, और आज लगभग 200 का होना है। और इसमें निशुल्क बच्चों को दवा बांटा जाता है और मेडिकल चेकअप होता है, जिसमें कंपाउंडर हमारे लगे हुए हैं और कमेटी के मेंबर भी, जिसे बाहर से आए हुए हैं दूर दराज से, जैसे गढ़वा झारखंड और इधर पत्थलगांव बिजूरी मेनपाट सीतापुर दूर दराज से बच्चे आते हैं। साथ ही स्वास्थ्य शिविर में आए सभी लोगों का मेडिकल चेकअप, साथ ही सभी को निशुल्क दवाइयों का भी वितरण किया गया। छत्तीसगढ़ मुस्लिम युवा मंच के मेंबर और मेडिकल स्टाफ इस स्वास्थ्य शिविर में मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ मुस्लिम युवा मंच द्वारा हर साल सुन्नत कार्यक्रम कराया जाता है, जिसमें इस वर्ष भी 200 बच्चों का सुन्नत आज और 200 बच्चों का सुन्नत कल 26 तारीख को हुआ है। स्वास्थ्य शिविर बच्चों का चेकअप किया जा रहा है पूरा।